हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखो, दुनिया में बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर डिबेट किया जा रहा है ना। द सोशल मीडिया है ना, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर है ना, ये जो सोशल मीडिया है ये एक और डिबेटेड इशू है हमारे दुनिया में कि भाई सोशल मीडिया को किस किस एज ग्रुप के लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, क्या बच्चों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। बच्चों पे इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, तो इसको लेके डिबेट चलती रहती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसी डिबेट के बीच में अभी हाल ही में एक कंट्री ने एक स्टेप लिया है, और एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। इन्होंने बैन कर दिया है सोशल मीडिया को कंप्लीटली अपने कंट्री में, कि अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर कोई भी बच्चा जिसकी एज 16 साल से कम है, 16 ईयर से कम है, ठीक है, तो वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता। कंप्लीट बैन लगा दिया है 16 साल से नीचे के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पे। ठीक है, अच्छा, ये सोशल मीडिया 16 साल से नीचे के बच्चे इस्तेमाल ना करें, इसका बर्डन डाला गया है जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, है ना, लाइक फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया। ठीक है, इन कंपनियों पे इनका बर्डन डाला है कि भाई आप लोग इंश्योर करोगे कि जो 16 साल से नीचे के बच्चे हैं, है ना, जो किड्स हैं, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करने पाए। ठीक है, तो ये जो कंट्री है, ठीक है, ये कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया, जिसने अभी हाल ही में सोशल मीडिया को अपने आप बैन कर दिया। ठीक है, 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया अप्रूव सोशल मीडिया बैन ऑन अंडर 16। ठीक है, बीबीसी ने कवर किया है, पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो डिबेट है ना, उस डिबेट के कि भाई बैन कर देना चाहिए, बैन नहीं कर देना चाहिए, दो है ना पहलू हैं, हर डिबेट के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया डिबेट के है ना दो पहलू हैं कि भाई 16 साल से नीचे के बच्चों को बैन कर देना चाहिए, है ना, या फिर नहीं बैन करना चाहिए। तो वो लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, सोशल मीडिया बैन को अंडर 16 बच्चों के लिए, है ना, उन्हें एक क्या मिल गया, एक एक फोर्स मिल गया है ना थ्रू ऑस्ट्रेलिया, कि भाई अब वो कह सकते हैं कि भाई हाँ देखो, ऑस्ट्रेलिया ने भी अब करके दिखाया, हमें भी अब इस चीज़ की दिशा में जो है आगे बढ़ना चाहिए। हमारे इंडिया में भी इस पे बहुत ज़्यादा बात होती है कि हमारे इंडिया में क्या कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं सोशल मीडिया का, है ना, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है, जो उनका चाइल्डहुड है, जो उनकी स्टडी है, बहुत बुरी तरह इम्पैक्टेड हो रही है। तो इंडिया में भी है ना अब इस चीज़ को लेके एक है ना पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, है ना, बाई एंड लार्ज, कि भाई जो सोशल मीडिया है उसको बैन कर देना चाहिए, है ना। एक्चुअली हमारे इंडिया में तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा वर्स है ना। हमारे यहाँ सोशल मीडिया को लेके है ना पेरेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं है कि बच्चे को ये किस लिमिट तक इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, आप देखो, जनरली आप घरों में फिनोमेना देखोगे, अगर छोटा बच्चा कोई रो रहा है ना, तो पहले माँ उसको क्या करती थी, है ना, सुला देती थी, प्यार करती थी, बट अब क्या कर रही है, जो आजकल की जो लेडीज हैं वो बच्चों को फोन दे दे रही हैं, है ना, चुप, है ना, चुप कराने के लिए। तो एक एडिक्शन लेवल उनके अंदर बचपन से ही डेवलप होता जा रहा है, और जिसका बच्चे को पे बहुत नेगेटिवली असर पड़ता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को कैसे सोशल मीडिया इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने ये जो डिसीजन लिया है, इसके बाद बहुत सारे जो जो कंट्रीज हैं उनमें एक बार से फिर ये डिबेट शुरू होने वाली है, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, ये जो कैंपेन हुआ थ्रू आउट कैंपेन ऑस्ट्रेलिया में कि भाई सोशल मीडिया को 16 साल के नीचे से जो बच्चे हैं, है ना, उनको बैन कर देना चाहिए इसको यूज करने से, है ना, इसका एक स्लोगन भी था, लेट देम बी किड्स। ठीक है ना, सोशल मीडिया पे ऑस्ट्रेलिया में एक आरोप लगाया जा रहा था कि इसने क्या किया है, इसने बच्चों का जो बचपना होता है ना, जो चाइल्डहुड है, वो छीन लिया है। ठीक है, तो लेट देम बी किड्स, उन्हें बच्चा ही रहने दो, उन्हें बालक ही रहने दो, है ना। ये स्लोगन के तहत इस कैंपेन को क्या किया गया, है ना, आगे बढ़ाया गया, इस बैन की कैंपेनिंग को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने है ना ये डिसीजन ले लिया है, ऑस्ट्रेलिया ने लेजिस्लेशन पास कर दिया है, और अब साल 2025, ईयर 2025 से इट है ना देयर विल बी ए कंप्लीट बैन, एब्सोल्यूट बैन, है ना, ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। ठीक है, फ्रॉम लेट 2025 ऑस्ट्रेलियंस मस्ट बी ओवर 16 टू यूज सोशल मीडिया, यानी कि 16 साल से ऊपर का ही होना चाहिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है ऑस्ट्रेलिया में, तो साल 2025 से। कहाँ कहाँ पे बैन लगाया गया है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे लगाया गया है, ठीक है, स्नैपचैट पे लगाया गया है, और एक्स जो ट्विटर है उन पर लगाया गया है, एंड इसके अलावा टिकटॉक वगैरह कई सारी जो ऐप हैं, ठीक है, उन पर ये बैन कंप्लीटली लगाया गया है। ठीक है, और मैंने क्या जैसे शुरुआत में बोला कि ये एंश्योर करने की कि अंडर 16 बच्चे इसको इस्तेमाल ना करें सोशल मीडिया को, है ना, ये एंश्योर करने की जिम्मेदारी किस पर डाल दी गई है, सोशल मीडिया कंपनीज पर डाल दी गई है, कि भाई अगर कोई भी कंपनी है ना
इस बैन को इम्प्लीमेंट करने में आनाकानी करती है या मना करती है ना, या फिर नहीं करती है, तो उस पर लगा दिया जाएगा जुर्माना 49.5 मिलियन डॉलर का। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया में है ना, जब ये बिल पास हो गया कंप्लीटली, जो पेरेंट ग्रुप थे है ना, जो चाहते थे कि सोशल मीडिया बैन हो जाए क्योंकि उनके ही बच्चे हैं, उन्हीं की लाइफ खराब हो रही है ना, तो उन्होंने तो इसको सपोर्ट किया। बट जो चाइल्ड राइट वाले, ये हर जगह आ जाते हैं, ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई क्यों, बच्चों के राइट होते हैं, बच्चों के ह्यूमन राइट होते हैं है ना, तो बच्चों से ये सब नहीं छीनना चाहिए। फिलहाल ये बैन हो गया। अब देखो इस डिबेट के पीछे रीजन क्या हो था कि भाई है ना, सोशल मीडिया किस उम्र के लोगों के लिए होना चाहिए, 16 साल से नीचे के बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल करें या ना करें, है ना, इस पर डिबेट स्टार्ट हुई जब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आने शुरू हुए। नो डाउट है ना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, तो ऐसे ही इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं सोशल मीडिया के, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। ठीक है, अगर बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट की, तो बच्चों के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत कम दिखाई देते हैं। लाइक अगर हम बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट की ऑन है ना चिल्ड्रन है ना ऑफ सोशल मीडिया, तो सबसे पहला जो आता है पॉजिटिव इम्पैक्ट, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बच्चे क्या कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, कहीं से नॉलेज और ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल टू शेयर देयर इंटरेस्ट, आइडियाज, ओपिनियंस, इंसाइट एंड फीलिंग, सब को शेयर कर सकते हैं, दूसरे की फीलिंग्स को, इंसाइट्स को जान सकते हैं, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, कीपिंग टच विद फार अवे फ्रेंड, यानी कि जो दूर बैठे दोस्त बना सकते हैं ना। आज देखो, पहले जो दोस्त होते थे क्या होते थे, गली मोहल्ले में होते थे, कॉलोनीज में होते थे, बट अभी क्या है, ग्लोबल फ्रेंड्स हैं, अमेरिका में फ्रेंड है, जो पर्सन कभी अमेरिका गया भी नहीं है ना, उसके फ्रेंड बैठे हुए हैं अमेरिका में है ना, बाई द ग्रेस ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, चलो फ्रेंड बनाना कोई गलत बात तो नहीं है। ठीक है, थर्ड, गेनिंग नॉलेज है ना, बच्चे नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन करते हैं है ना, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव है ना नॉलेज मिल जाती है, जो बच्चे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और बच्चों का है ना जो विजन लेवल है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्प्रेडिंग आइडियाज, अपने आइडियाज को, अगर कोई मान लो कोई बच्चा जैसे लगता है कि भाई उसके पास कोई लाइफ चेंजिंग आइडिया है या फिर बहुत ज़्यादा विजनरी आइडिया है, तो वो उसको शेयर कर सकता है ना। ऑन द अदर हैंड है ना, बहुत सारे विजनर आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज वो क्या कर सकता है, ग्रैब करता है, कर सकता है, क्योंकि और भी लोग हैं है ना जो ये कर रहे होंगे सेम ऑन द टाइम। ठीक है, अगर बात करें, ये तो रहे पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, तो गिने चुने 4-5 पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें दिखाई देते हैं, बट जब हम जाते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ, ठीक है, तो एक पूरी लिस्ट दिखाई देती है हमें। ठीक है, और सबसे पहला जो जिस सबसे चिंताजनक बात है जिसकी वजह से है ना लोग वरीड हैं और कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को अंडर 16 बच्चों के लिए क्या कर दो, मतलब बैन कर दो है ना, तो पहला जो है वायलेंस। सोशल मीडिया क्या करता है, वॉयलेंस को ओपनली, अनफिल्टर्ड चीज़ें आती हैं, वॉयलेंस को ओपनली है ना ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। कैसी वॉयलेंस को, कैसी भी वॉयलेंस को है ना, चाहे वो फिजिकल वॉयलेंस हो, या फिर सेक्सुअल वॉयलेंस हो, जिस तरह का कंटेंट अगर आप देखें इंस्टाग्राम को चला के, तो किस तरह की जो है ना जो चीज़ें हैं, मतलब है ना एग्रेसिव वीडियोज, रील्स बनाई जाती हैं है ना, तो वो क्या करती हैं, कहीं ना कहीं बच्चों की साइकी पे असर करती हैं, बच्चे उसको क्या करते हैं, रियल लाइफ में रेप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं है ना। तो दैट इज वाई क्या होता है, ये सोशल मीडिया एक्सटेंसिवली क्या कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, आप देखो बच्चे के कैसे होते जा रहे हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते जा रहे हैं, गुस्सा आता जा रहा है। अभी जैसे एक खबर आई थी मध्य प्रदेश में, ठीक है, एक बच्चा जिसकी उम्र 11 साल के समथिंग थी और वो फ़ोन इस्तेमाल करता था बहुत ज़्यादा, एंड उसके माँ बाप ने उसको रोकने की कोशिश की, भाई ये आपकी उम्र नहीं है, ये आपकी पढ़ने की उम्र है, सोशल मीडिया मत इस्तेमाल किया करो। उस बच्चे ने क्या किया, अपने दोनों फादर और मदर, पेरेंट्स को क्या कर दिया, जान से मार दिया, गला काट दिया उन लोगों का। ठीक है, तो ये वॉयलेंस उसने कहाँ से सीखी, ठीक है, गुस्सा हो सकता था है ना, डिसएग्री कर सकता था, नाराज हो सकता था, भाग घर छोड़ के जा सकता था, कुछ भी कर सकता था, बट उसने कौन सा पाथ चुना, वॉयलेंस का पाथ चुना, एंड उसने अपने माँ बाप को ही मार दिया। तो फिजिकल वॉयलेंस, सेक्सुअल वॉयलेंस है ना, ये सब सिखाता है। इसके अलावा है ना जो सेकेंड नेगेटिव इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का बच्चों पे, वो है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग यानी कि लाइक बच्चों के बारे में कुछ ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अगर आप जान लो और बच्चों को देन है ना ब्लैकमेल करना शुरू कर दो, उनकी आपत्तिजनक जो है फोटोज निकाल लो है ना जो अच्छी नहीं होती, तो इसका शिकार बच्चे अक्सर हो जाते हैं, बहुत सारे पैसे है
है ना, बच्चे पे करते रहते हैं। जैसे स्वीडन में एक केस हुआ था, है ना, एक टीन एज गर्ल थी, 14 ईयर्स एज थी उसकी, एंड उसके कुछ फोटोज जो कि मतलब इनएप्रोप्रिएट थे, वो किसी पर्सन के हाथ लग गए, और उसने बहुत सारे डॉलर, हजारों डॉलर उससे हड़पे। वो लड़की घर में चोरी करने लगी, ठीक है। देन फिर जब उसके माँ बाप को पता लगा कि भाई पैसे कहाँ गायब हो रहे हैं, देन पूछा उससे, देन उसने ये सब बातें बताई। तो साइबर बुलिंग है ना, बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली गर्ल्स की साइबर बुलिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा पॉर्नोग्राफी, अश्लील वीडियो, जो गंदे वीडियो जाते हैं, ठीक है, उनके लिंक ओपनली यहाँ पे फ्लोट कर रहे होते हैं, है ना, भले ही, है ना, किसी ने भी पॉर्नोग्राफी पॉर्नोग्राफी अपने यहाँ पे बैन करके रखी हो, पॉर्न वीडियोज अपने यहाँ पे बैन करके रखी हो, इनके जो लिंक होते हैं ओपन लिंक, वो आपके इंस्टाग्राम कमेंट्स में, स्नैपचैट में क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, जिससे बच्चे क्या हो रहे हैं, पॉर्नोग्राफी के एडिक्ट हो रहे हैं समय से पहले, है ना, टाइम से पहले मैच्योर हो रहे हैं। तो पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है, डेट इज वाई, है ना, ये इम्पैक्ट है इसका नेगेटिव। इलीगल बैटिंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, इलीगल बैटिंग आप देख रहे होगे, है ना, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप आ गए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप आ गए हैं, जहाँ पे इलीगल बैटिंग होती है ना, थ्रू मैसेजिंग, थ्रू चैटिंग, तो उसमें इंडल्ज हो रहे हैं। इसके अलावा मेंटल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। मेंटल इंस्टेबिलिटी क्या होती है, सोशल मीडिया की लाइफ एक अलग है, कलरफुल लाइफ, बट ऑन द अदर हैंड जो रियल लाइफ है ना, वो बिल्कुल कैसी है, 360 डिग्री टर्न है, अलग है, ठीक है। तो बच्चे मेंटली इनस्टेबल होते जाते हैं, है ना, जब वो अपनी वर्चुअल लाइफ से रियल लाइफ में आते हैं, तो उनके अंदर एक मेंटल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। सोशलाइजेशन, ठीक है, अब आपने अमेरिका में फ्रेंड तो बना लिया, बट अपने गली मोहल्ले में फ्रेंड बनाना भूल गए, और जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब आप अकेले होगे, किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, तो कौन आएगा, अमेरिका से आपको हेल्प करने आएगा, नहीं ना, आपका पड़ोसी ही आपकी हेल्प करने आएगा। तो हमने ग्लोबल सोशलाइजेशन के चक्कर में बच्चे क्या करते जा रहे हैं, जो अपना लोकल सोशलाइजेशन है उसको भूलते जा रहे हैं, ठीक है। एंड ऑनलाइन सोशलाइजेशन और फिजिकल सोशलाइजेशन में अंतर है, इमोशंस का अंतर है। ऑनलाइन सोशलाइजेशन में इमोशंस नहीं होते, जबकि जो फिजिकल सोशलाइजेशन है उसमें क्या कहते हैं, एक इमोशन इन्वॉल्व रहता है हमेशा, ठीक है, कि ये मेरे गांव का है, ये मेरे मोहल्ले का है, मैं मिलता रहता हूँ इससे, ठीक है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत फॉल्स, गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत फ्लोट कर रही है, जिसकी वजह से बच्चे का दिमाग क्या होता जा रहा है ना, टॉक्सिक होता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्लीप पैटर्न अफेक्टेड, ठीक है, बच्चे दो दो ढाई ढाई तीन तीन बजे, चार चार पाँच पाँच बजे सो रहे हैं, जो 12 बजे सो जाते थे, स्लीप पैटर्न उनका क्या हो रहा है, बहुत बैडली इफेक्टेड हो रहा है, जिससे उनके माइंड पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, दैट इज वाई बोला जा रहा है कि भाई सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए, है ना, पूरे दुनिया में, ठीक है। तो अब डिसाइड करना है, ऑस्ट्रेलिया ने अपना डिसीजन ले लिया है, ठीक है, अब डिसाइड करना है इंडिया को, ठीक है। अगर बात आती है यहाँ पे अगर एक परसेप्शन की, तो मेरा परसेप्शन इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि कम से कम 16 साल से नीचे तो बच्चों के लिए सोशल मीडिया कंप्लीटली बैन होना चाहिए, ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ जो कंपनियां हैं, सोशल मीडिया कंपनियां, उन पर नहीं डालनी चाहिए, इनकी जिम्मेदारी डालना चाहिए पेरेंट पे, कि अगर आपका बच्चा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया, तो जेल तो आपको भी जाना पड़ेगा, तब जाके कि मतलब कहीं, है ना, इसके कुछ रिजल्ट निकल के आएंगे। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या रिजल्ट निकलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पेरेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला गया, सारा बर्डन किसके, टेलीकॉम कंपनियों के, जो ऊपर डाल दिया गया सोशल मीडिया कंपनियों के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर वगैरह वगैरह, इन सब के ऊपर डाल दिया गया, है ना, बट पेरेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। बट आई पर्सनली थिंक कि बैन होना चाहिए 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए, ठीक है, और इसका बर्डन जो सोशल मीडिया कंपनियां उन पे तो पड़ना ही चाहिए, बट इसके साथ साथ किस पे पड़ना चाहिए, पेरेंट्स पे भी पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब इंस्टाग्राम कैसे रोकेगा आपको, इंस्टाग्राम आपसे आपकी एज पूछेगा, और मैं एज क्या कर दूंगा, गलत भर दूंगा, 16 की जगह 17 कर दूंगा, मैं एलिजिबल हो गया, ठीक है। तो सोशल मीडिया जो कंपनियां वो इतना ही कर सकती हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकती हैं सोशल मीडिया कंपनियां, ठीक है। तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इस मामले में, है ना, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं, बच्चा कोई बचपन से कोई खुद तो फ़ोन लेके आता नहीं है परचेज करके, है ना, वो माँ बाप के फिनांस से ही पैसे लेके क्या करता है ना, फ़ोन परचेज करता है, ठीक है, माँ बाप के पैसे से ही क्या करता है, फ़ोन को रिचार्ज कराता है। तो माँ बाप की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है जितनी सोशल मीडिया जो कंपनियाँ हैं, ट्विटर वगैरह, इन सब की, ठीक है। तो ये मेरा परसेप्शन है इस बारे में, बाकी आपका क्या परसेप्शन आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए चलते चलते जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि क्या ज्योग्राफी है। तो ऑस्ट्रेलिया है ना एक पूरा आइलैंड बेस्ड कंट्री है, और ऐसे वैसे आइलैंड बेस्ड कंट्री नहीं है, वन ऑफ द बिगेस्ट आइलैंड है ये दुनिया का, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो एक तरफ इसके पैसिफिक ओशन मिलेगा आपको, एक तरफ इंडियन ओशन मिलेगा आपका, ठीक है, और बहुत सारे प्रोविंस में ये बटा हुआ है, जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्दर्न टेरिटरी हो गया, क्वींसलैंड हो गया, न्यू साउथ वेल्स हो गया, विक्टोरिया हो गया,
एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और ये एक और आइलैंड है तस्मानिया, ठीक है। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो कैनबरा है, वो हमें यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर सबसे बड़े शहर की बात करें तो ब्रिस्बेन है, ठीक है। मोस्ट डेवलप्ड शहर की बात करें तो सिडनी आपको देखने को मिलेगा। और अगर बात करें इसकी करेंसी की, बात करें इसकी करेंसी की, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर इनकी जो है करेंसी है। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्राइम मिनिस्टर कौन है इनके, एंथनी एल्बनीज हैं, ठीक है। और अगर बात करें इनके पॉलिटिकल सिस्टम की, तो पॉलिटिकल सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अभी अभी भी ये ब्रिटेन के उसके अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होता, यहाँ पे गवर्नर जनरल होता है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल भी आपको देखने को मिल जाएंगे, सैम मॉस्टेन, ठीक है। और कैपिटल मैंने आपको बताई दी कैनबरा, पॉपुलेशन इनकी 2.66 करोड़ है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंफॉर्मेशन है। बाकी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।